राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब लोग? आशा सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे, बढ़िया होंगे। और अब हो रहा है शाम का टाइम, मेरी संध्या आरती सब कुछ हो चुकी है। और अभिषेक क्या करने में लगे? क्या कर रहे हो अभिषेक? पपीता काट रहा है मेरे लिए। पहले लड्डू गोपाल में काट के रखाना है, ठीक है? हाँ, तो यहाँ देखिए, ये काट रहे हैं पपीता। डिजाइन वाला काट लेते हो क्या? हाँ अरे ऐसे ही काट देते, डिजाइन वाला कट गया। रुको तो। अच्छा, तो ये काट रहे हैं मेरे लिए पपीता। और कभी ध्यान रहता है, कभी भूल जाते हैं। जब ध्यान आ जाता है तब काट लेते हैं। और वैसे भी दोपहर में ही फल खाती हूँ, लेकिन अब ध्यान आ गया तो अब काट रहा है। और इसे पपीता काटना बहुत अच्छा लगता है। अभिषेक ही काटता है हमेशा, तो बोला था कि लाई मम्मी मैं ही काटूंगा। मैजिक पका नहीं है सही से, है ना? वाइट वाइट वैसा दिख रहा है। अच्छा एक कली काटी, जा लड्डू गोपाल में रखा। जाके जा लड्डू गोपाल में रखा, सही नहीं कटा, नहीं सही कटा है। जा हाँ, कट रखा जाके लड्डू गोपाल। काट रहे हैं फल और इनकी बन रही है पतंग। क्या बना रहे हो बोलू? ये पतंग बनाने में लगे हैं। ये देखिए इनकी ये पतंग बन रही है, वो भी बनाई अखबार की। तो पूरा फेविकोल ही बंद, वो डिब्बा बंद करो से, पूरा सूख जाएगा बोलू। वो बड़ा वाला डिब्बा वैसे भी है, कोई पतंग तो नहीं बनेगी, पता चला डिब्बा खराब हो जाए। बंद करो। तो इनकी पतंग बन रही है, अब पूरी संक्रांत निकल गई, सब कुछ हो गया, लेकिन अब पतंग बन रही है, अब पतंग उड़ेगी। और ये किताब विताब सब पड़ी है, पतंग बनने लगी। तो ये लगे हुए हैं देखिए अपने काम में। मना करने के बाद में भी लगा है, मैंने कहा अब इसको कर ही लेने दो। पूरी तो बन ही चुकी है। और इसके बाद में जो गाजर आज लेके आए थे, वो सारी गाजर मैं धुल के रख रही हूँ, क्योंकि आज बनेगा गाजर का हलवा। क्योंकि बच्चों के लिए वैसे भी कुछ इस टाइम पे बन नहीं पाया, तो काफ़ी दिन से बोल भी रहे थे, तो मैंने कहा चलिए आज लेके आए। दूध था ही, तो गाजर सारी धुल के रख ली थी मैंने। अब एक एक करके छील के रखती जा रही हूँ। और कद्दूकस करूँगी, आधी कर लूँगी, आधी गुलू से करवा लूँगी, क्योंकि इसमें भी मेन काम तो वो कसने ही में ही लगता है। तो मैंने कहा जितना मैं कर पाऊँगी कर लूँगी, इसके बाद मैं गुलू को बैठा दूँगी तो गुलू कस कस से कस लेगा। और थोड़ा सा रखा हुआ था मावा, तो मैंने कहा उसका मैं बना देती हूँ मिल्क केक जैसा। और जो हलवा है वो दूध का ही बनाऊंगी। और यहाँ घी जब गर्म हो गया, तो मैंने जो गाजर कद्दूकस करके रखी है वो डाल दी है। और बस इसे काफ़ी देर तक फ्राई करूंगी। इसके बाद में दूध मैंने पका के रखा हुआ है, दूध है मेरा 2 किलो ये लगभग। तो गाजर जो है दूध में ही पकेगी और उसी में ही गाढ़ा हो जाएगा पकते पकते। तो मैं मावा इसमें नहीं डालूंगी, केवल दूध में ही बनेगा गाजर का हलवा। और मेरी गाजर अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब जो मैंने दूध रखा हुआ पका के, वो दूध डाल रही हूँ और इसी में ही पकनी है। और जब ये बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा पकते पकते, तब जाके इसमें मैं चीनी डालूँगी। और ये हो गया गाढ़ा, तो अब मैंने डाल दी चीनी। और चीनी के साथ में अब मुझे पकाना है, बिल्कुल से गाढ़ा हो जाएगा तब इसमें जाके इलायची पाउडर और ड्राई फ्रूट वगैरह डालूंगी। तो अभी भी इसे अभी तो पकाना है, क्योंकि अभी भी इसमें दूध है, एकदम से गाढ़ा अभी नहीं हुआ। तो ठंड बहुत ज़्यादा है और अब मैं आई हूँ बर्तन वगैरह धुल के, तो सच में हाथ ऐसा लग रहा था कि हाथ है ही नहीं, इतने गल रहे थे कि मैं बता नहीं सकती। फिर मैंने हीटर चलाया कुछ देर, हाथों को सेका, तब जाके जान में आई है।
और सच में जो इस समय जो लड़ाई होती है ना सबसे ज़्यादा किचन में, वो होती है बर्तन धुलने की ठंड में सबसे ज़्यादा। गर्मियों में रोटी बनाने में और ठंडियों में बर्तन धुलने में सबसे बड़ी, अगर बर्तन धुल गए ना तो सबसे बड़ी जंग जीत ली। और मैं सुबह के लिए बर्तन छोड़ती नहीं, मैं आप लोगों को बता दूँ मेरी शुरू से ही आदत है, मैं बर्तन रात में सारे ही धुल लेती हूँ। तो मैंने कहा चलो हाथ से ही लिए हैं तो चलिए कैमरा उठाते हैं, आप लोगों से बात भी कर लेते हैं। तो कल है 20 जनवरी और 20 जनवरी को है मेरी एक प्यारी से सब्सक्राइबर हैं आयुषी जी, उनका बर्थडे। तो आयुषी जी आपको बर्थडे की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, और भगवान से यही दुआ करूंगी कि भगवान आपको सारी खुशियां दे, जिस मुकाम तक आप पहुंचना चाहते हैं आप वहां पहुँच जाएँ। और एक मेरी सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट किया था कि दीदी आप अपने जो गॉल ब्लैडर का स्टोन की जो सर्जरी हुई है उसके बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए सबके साथ, सबके साथ में अपना अनुभव बताइए। तो चलिए मैंने कहा मैं ये भी बता देती हूँ। तो सबसे पहली बात ये है कि गॉल ब्लैडर स्टोन जिनके भी है तो दवाओं के पीछे तो बिल्कुल ना भागें, क्योंकि मैं भी थोड़ा दिन तो मैं दवाओं के पीछे रही लेकिन मुझे बहुत जल्दी समझ में आ गया कि इसका एक ही ऑप्शन है, वो भी है ऑपरेशन। इसमें दवा वगैरह कुछ काम करने वाली है नहीं, क्योंकि अगर किडनी स्टोन या अदर जगह होता है तो वो तो दवाओं से कुछ चांस रहता भी है, लेकिन इसमें तो कोई चांस रहता ही नहीं है कि दवा से ये निकल जाएगा। तो मैंने ज़्यादा दवाएँ नहीं ली। हाँ मेरा डिले ज़रूर होता रहा कि अब करवा लेंगे, अब करवा लेंगे, अब ठंड आएगी, ठंड का सीज़न आएगा तब करवा लेंगे, फिर कहीं ना कहीं कुछ काम आ जाता है, कोई बीमार हो जाता है, घर में कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि फिर हमारा डिले हो जाता है। लेकिन नवंबर के लास्ट में ना मुझे दर्द काफ़ी होने लगा था। वैसे इसमें ज़्यादा दर्द नहीं होता, इसमें क्या होता है ना गैस बनती है, वॉमिटिंग होती है ना, लूज मोशन हो जाता है, ये सारी चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा हुई थी। मतलब इतना ज़्यादा पेन नहीं हो रहा था लेकिन नवंबर लास्ट से ना मुझे बहुत ज़्यादा मतलब दर्द होने ही लगता था, और ये दर्द हमेशा होता था रात में, तो मैं बहुत परेशान थी, पूरी पूरी रात सोती नहीं थी। तो मैंने कहा चलो अब बहुत डिले हो गया, अब इसका ऑपरेशन करवा ही लेते हैं। तो बस मैं सोच के चली गई, मैंने कहा मैं नहीं बर्दाश्त करूँगी, बहुत मैंने दवाएं खा ली, रोज़ गैस का कैप्सूल खाना, ये खाना वो खाना, बहुत परेशान हुई। तो मैंने कहा चलो चलते हैं आज भगवान का नाम लेके सीधे ऑपरेशन करवाते हैं। तो मेरा 18 दिसंबर को मेरा ऑपरेशन हुआ था, और ये हुआ था मॉर्निंग में 8 बजे। और मैं बता दूं कि मुझे तो बस इतना पता है कि मैं थिएटर में गई, ऑपरेशन थिएटर में, और बस उन्होंने मेरे इंजेक्शन यहाँ से ड्रिप लगाई हुई थी, यहीं इंजेक्शन दे दिया, और बस मैं उनसे ये बोल रही थी कि कितनी देर में मैं बेहोश हो जाऊँगी, बोले बस कुछ देर में। तो बस मैं उनसे बात करते ही करते और पता नहीं कब मैं बस ऐसे ही सो गई। बस मुलाकात बोलते हैं ना डॉक्टर साहब, पता 4-5 लोग थे, बस मेरी उनसे बातें, बस ये बोल रहे थे कि एक तुम्हारा कलावा काट दें, तो मैंने मना किया, मैंने ये कलावा मेरा मत काटना, ये खाटू श्याम जी का है, मैं ये इसको मत काटना। तो हंसने लगे सब, और बस इतनी मेरी बात हुई है, इतनी बात होते ही होते तो मैं सो गई। मुझे फिर कुछ नहीं मालूम, मुझे केवल तब होश आया है जब मैं थिएटर से बाहर आई हूँ, जैसे मुझे वार्ड में लाए हैं, लिटा दिया है, तब मुझे एहसास हुआ कि हाँ मेरे दर्द हो रहा है, बस इतना दिमाग में था कि हाँ दर्द हो रहा है, बाकी पिछली चीज़ कुछ भी याद, कुछ भी मतलब बेहोशी की हालत में कुछ वैसे भी पता नहीं रहता, बस वैसे ही डर लगता है कि ऑपरेशन कैसे होगा क्या होगा, लेकिन आपकी अवस्था ऐसी कर दी जाती कि आपको कुछ भी पता नहीं चलता, लेकिन हाँ जब होश आता है तब लगता है कि हाँ दर्द हो रहा है। तो मैंने कहा कि मुझे दर्द हो रहा है, तो उन्होंने इंजेक्शन लगा दिया, और इंजेक्शन से क्या है मेरा दर्द क्या हल्का हो गया। इसमें क्या है, उसी दिन दर्द होता है जो दर्द होता है, इसके बाद में दिन पर दिन जो मेडिसिन चलती है उनसे दर्द आपका हल्का होता चला जाता है, घाव जो है भरने लगते हैं, क्योंकि टाँके तो आते ही हैं, मेरे 5 टाँके आए हुए थे, 2-2 यहाँ साइड में, वो एक ऊपर, तो उतना दर्द फिर अगले दिन से नहीं होता। और मुझे ना मेरा जो एक्सपीरियंस मैं अपना बता रही हूँ, मुझे जैसे ही आई मैं थिएटर से बाहर, और आधे घंटे के बाद मुझे इतनी वॉमिटिंग चालू हो गई कि उल्टियाँ मेरी बंद ही नहीं हो रही थी। सुबह 8 बजे का ऑपरेशन हुआ, यानी ये मान के चलिए रात के 9-10 बजे तक मुझे बराबर कंटिन्यू उल्टियाँ होती रहीं। इन्होंने जाके डॉक्टर साहब से पूछा कि ऐसे दिक्कत ना हो जाए, तो ये बोले थे ऐसी डरने की कोई बात नहीं है, कभी कभी क्या होता है ना कि हर किसी की बॉडी उस चीज़ को सूट नहीं कर पाती, जो बेहोशी का इंजेक्शन होता है एनेस्थीसिया का, उसकी वजह से उल्टियाँ होती हैं।
तो वही वजह थी जिससे मेरी उल्टियाँ बंद ही नहीं हो रही थी। ये भी होता है ना, किसी किसी को सूट करता किसी को नहीं सूट करता, इसी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हुई। फिर उन्होंने रात के इंजेक्शन दिया जिससे कि फिर मैं सो गई, मेरी उल्टियाँ भी बंद हो गई। और अगले दिन जब मैं मॉर्निंग में जगी ना, तब मुझे लगा कि हाँ मेरा दर्द कुछ कम है। बस ऐसे ही ऐसे करके दर्द कम होता गया। उसी सुबह फिर 11-12 बजे मेरी छुट्टी हो गई, मेरी दोनों ननद देखने आई, और इसके बाद में मेरी छुट्टी हो गई। और छुट्टी होने के बाद उन्होंने 7 दिन बाद बुलाया मुझे टाँके काटने के लिए, कटवाने के लिए, और 7 दिन की दवाएं दे दी। फिर मैंने चलते टाइम डॉक्टर साहब से पूछा मैं क्या खा सकती हूँ और क्या मुझे नहीं खाना, तो डॉक्टर साहब हंसने लगे, बोलते सब कुछ खा सकती हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन घर आने के बाद में मैंने ये परहेज किया कि 7 दिन तक मैंने बिल्कुल लिक्विड वाली चीज़ें ही ली, जैसे दाल दलिया एकदम पतला पतला, जूस है, फल हैं, बस ये चीज़ खाया मैंने, और सब्जी वगैरह नहीं खाई। उससे क्या है ना, थोड़ा दिक्कत नहीं रही पेट में, क्योंकि गैस बनने की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है। बाकी ऐसा कुछ नहीं था कि आप खा नहीं सकते हो। और टाँके कटने के बाद में तो फिर मैंने सब चीज़ खाई थोड़ा थोड़ा करके। मम्मी मेरी बोल रही थी कि हर चीज़ खाना, क्योंकि अगर एकदम से खाओगी ना तो फिर तुम्हें पचेगी भी नहीं, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके सारी चीज़ खाना, किसी चीज़ से परहेज मत करना। तो मैंने सारी चीज़ थोड़ा थोड़ा करके खाती रही। और हाँ, एकदम से नहीं खाना खाती थी, दिन में 5-6 बार एक एक रोटी करके खा लेती थी, तो आराम से डाइजेस्ट भी हो जाता था, तो कोई दिक्कत नहीं आई। और फिर इसके बाद मैं सारी चीज़ें मैं खाने लगी, और इसके बाद मैं 2 बार दिखा के आई हूँ, फिर उन्होंने दवा दे दी। और अब दवा मेरी केवल डाइजेशन वाली चल रही है, बाकी और दवाएं तो बंद हो गई कि खाना अच्छे से पचे, क्योंकि कोई शरीर का अंग है जो कि हमारा निकला हुआ, तो थोड़ा ना थोड़ा तो बॉडी में प्रॉब्लम तो रहती ही है। हालांकि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, जिनके भी है तो बिल्कुल भी चिंता ना करें। मैं अपना बिल्कुल अभी का एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मुझे भी बहुत डर लगता था, कुछ तो मैं डर की वजह से ही पीछे भाग रही थी कि अब फिर करा लेंगे फिर करा लेंगे। तो अरे करवाना तो है ही, मैंने पीछे भागने से कोई मतलब नहीं। तो बहुत ही मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। और बोलते हैं ना कि जिसके सहारे हम हो जाते हैं ना, तो वो हमारे पास में ही खड़े रहते हैं, भले हमें दिखाई दें या ना दिखाई दें। जिसके भी जो इष्ट होते हैं, जिसको भी मानते हैं, तो उसका नाम लेके, वैसे ही मैं थिएटर में नाम लेके गई अपने बाबा का, सुरक्षित हर हाल में, वो देखें या ना देखें साक्षात, लेकिन ऐसा लगता है ना कि हमारे साथ में ही है। तो बस मैं लास्ट टाइम उन्हीं को याद किया, बस वही है मेरे साथ में, बाकी कोई है ही नहीं। तो बस यही है मेरी जर्नी फ्रेंड्स। तो बहुत लंबा ब्लॉग हो जाएगा, मेरी बातें तो बंद होने वाली है नहीं नॉन स्टॉप, तो यहीं पे करूँगी ब्लॉग की एंडिंग। मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे वीडियोस कोई मिस ना हो। यूं ही आप तक पहुँचते रहें, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।